इंडियन क्रिकेट टीम ने पुणे टेस्ट में जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके, घुटने का टेके पूरी टीम लेटी गई, उससे हर इंडियन क्रिकेट प्रेमी का दिल खट्टा हो गया। बहुत बुरा लग रहा है कि भारतीय टीम ने क्या करा 105 और 107 दो इनिंग में। इस पर बात करने के लिए हमने बुलाया है मिस्टर शराफत खान को। शराफत जी, भारतीय टीम हार गई, बुरी तरह हार गई। एक कारण मेरी समझ में आ रहा है, कल शिवरात्रि थी, विराट और उनकी टीम ने खूब छक्के भंग की कि अगले दिन जो बॉल है क्रिकेट की वो फुटबॉल जैसे दिखेगी, पर वो जो है टेबल टेनिस की बॉल उनको नजर आई और हथियार डाल दिए। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसके अलावा और कोई? समय, ये सवाल हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिलो दिमाग में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम इतनी बुरी तरीके से हार गई। हुई भी तब जबकि शिवरात्रि का मौका था, तो ये जो भांग पीने वाली बात आपने कही है शिवरात्रि के मौके से जोड़ के देखी जा रही है, बहुत बड़ा फेल्यूर है भारतीय बल्लेबाजों का। ज्यादा जिम्मेदारी बल्लेबाजों की भी बनती है, जैसे कि विराट कोहली ने मैच के बाद कहा भी कि अगर हम रन बनाते तो शायद इतनी बड़ी हार नहीं होती। हर टीम का एक दिन होता है, पुणे टेस्ट में भारतीय टीम का तीनों ही दिन नहीं थे और बड़ी बात यह कि टेस्ट 3 दिन में खत्म हुआ है। खेल के हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया और सीरीज के पहले टेस्ट में जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी यहाँ पर संभावनाएं खत्म नहीं होती। अभी सीरीज में 3 मैच और बाकी हैं, भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करेगी। पर 70 ओवर में 2 बार टेस्ट मैच में कहाँ 70 ओवर में नई बॉल लेती, 2-2, 3-3 नई बॉलें ले लेती, और यहाँ तो 2 बार टीम पेविलियन में आ गई, इतनी भी क्या जल्दी थी? ये सिर्फ आंकड़े हैं समय, जो मैच के बाद हम विश्लेषण करें तो उपलब्ध होते हैं कि भारतीय टीम एक बार 40.1 ओवर में आउट हो गई और दूसरी पारी में 33.5 ओवर में, तो ये बहुत दयनीय प्रदर्शन है, क्लब स्तर की टीम का प्रदर्शन है। ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतने बड़े मार्जिन से जीत मिलेगी। एक बात मेरी भी समझ में नहीं आती कि उमेश यादव जैसे गेंदबाज का क्या सही इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अगर हम पहली और दूसरी पारी में देखें तो सबसे कम गेंदबाजी उन्होंने की और पहली पारी में तो सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने लिए। एक तथ्य यह भी है मैच का कि जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पहली पारी में 82 रन जोड़ चुके थे, उसके बाद उनका विकेट गिरा, विकेट लिया उमेश यादव ने, और हैरानी होती है कि उमेश यादव उस वक्त अपना दूसरा ही ओवर डाल रहे थे। कहने की बात यह कि 30 से ज्यादा ओवर की पारी हो चुकी है और फिर विराट कोहली लेकर आते हैं उमेश यादव को, तो कहीं ना कहीं कुछ फैसले आगे पीछे भी रहे, दोष किसी को नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह असफल रहे। श्रावण, मुझे एक हिंदी की कहावत याद आ रही है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। पुणे में इन्होंने एक स्पिन विकेट का जाल बिछाया कि ऑस्ट्रेलिया को हम 2 बार फटाक से आउट कर देंगे और खुद इंडिया टीम उस जाल में फंस गई। बोलो, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बात सही है कि टर्निंग ट्रैक बनाया था। कप्तान विराट कोहली ने भी मैच के बाद ये कहा कि हमारे गेंदबाजों की, अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी इस तरह की थी कि हमारी गेंदबाजों की बॉलिंग टर्न ज्यादा हो रही थी तो बैट से एज कम ले रही थी। ओ कीफी और नाथन लियन की बात उन्होंने की कि उनकी गेंदबाजी कम टर्न हो रही थी तो वो एज ले रही थी। तो ये विराट कोहली का अपना विश्लेषण है, तो इस वजह से शायद अब ज्यादा काबिलियत थी टर्निंग के इसलिए सफल नहीं हुए। ये थोड़ा हास्यास्पद है और आपने जो बात कही उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि क्या वाकई कुछ शिवरात्रि के अवसर पर कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया। लेकिन मोटे तौर पे देखें कि भारतीय बल्लेबाज रंग में थे ही नहीं। मानता हूं कई बार दिन नहीं होता, लेकिन विकेट पर टिकने की जीवटता तो दिखे। आप ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी देखें, जब 285 रन उन्होंने दूसरी पारी में भी बनाए, तो स्टीवन स्मिथ की बल्लेबाजी, हालांकि 5 उनको जीवनदान भी मिले अगर सब जोड़े जाएं तो, शतक मारा उन्होंने, लेकिन हर बल्लेबाज के साथ छोटी छोटी साझेदारियां भी की और अपनी टीम को एक ऐसे मुकाम पे ले दिया जहां पर जीत पाना भारतीय टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। भारतीय टीम के लिए जहां जीत पाना बहुत मुश्किल था, 441 का टारगेट था। जीवटता भारतीय बल्लेबाजों में कम रही और गेंदबाज उतने प्रभावी नहीं रह पाए। अच्छा, हर बार क्या विराट कोहली रन बनाएगा? इस टेस्ट में हम अगर स्कोर देखें तो जो दूसरे भारतीय बल्लेबाज है, मोबाइल जैसे मोबाइल नंबर का स्कोर नंबर रहता है वैसे स्कोर रहा 9-0-2। ये तो आप मैच के बाद कह सकते हैं कि पूरी तरह भारतीय बल्लेबाज नाकाम रहे, लेकिन जब हम पेपर पे टीम देखते हैं, मुरली विजय आप देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक लिया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की,
लोकेश राहुल भी एक प्रॉमिसिंग है, हालांकि अभी उन्होंने इतना डिलीवर नहीं किया है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर हम देख सकते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में भारतीय सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं, वो फेल रहे। फिर चेतेश्वर पुजारा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मध्यक्रम में एक वो भूमिका निभाते हैं वो जो पहले राहुल द्रविड़ निभाया करते थे, नंबर तीन पर बल्लेबाजी आकर एक खूंटा गाड़ देना जिसे कहते हैं, लेकिन वो भी दोनों पारी में असफल रहे। कप्तान विराट कोहली खुद पहली पारी में दो ही गेंद खेल पाए और दूसरी पारी में भी सिर्फ 13 रनों के निजी योग पर आउट हुए। तो एक जो फेल्यूर आया वो टॉप टू बॉटम आया। हम अश्विन जडेजा से क्या उम्मीद करें कि वो पुछल्ले बल्लेबाजों के तौर पर आकर रन बनाए, जबकि आपके शीर्ष बल्लेबाज ही आउट हो गए। तो सभी लोग फेल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी जो मोबाइल नंबर के स्कोर की बात कर रहे हैं तो ये सभी के रहे, और आपको बड़ा अंतर इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि एक साथ सभी की असफलता की कहानी लिखी गई। सीरीज शुरू होने के पहले 4-0 के दावे किए जा रहे थे, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह। अब आप क्या सोचते हैं सीरीज का रिजल्ट क्या रहेगा? हर मैच नया मैच, हर दिन नया दिन। भारतीय टीम इस मैच के परिणाम के बाद 0-1 से पिछड़ जरूर गई है, लेकिन संभावनाएं उतनी ही प्रबल हैं। कई बार भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया है, इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है। अपनी गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें। और चूंकि अब बेंगलोर हैदराबाद जैसी जगहों पर टेस्ट है, यहाँ पर ज्यादा लाइवली पिच है, ऐसे टर्निंग ट्रैक ना मिलेंगे। और एक बात का जिक्र भी समय करना चाहूंगा मैं कि टॉस पर बहुत कुछ निर्भर था इस मैच का नतीजा। सोचिए क्या होता अगर विराट कोहली ने टॉस जीता होता, खुद बैटिंग करते, तो ये 105 107 के जो आंकड़े आपको हो सकता है ऑस्ट्रेलिया उसमें होती और भारतीय टीम, तो ये बहुत कुछ किस्मत पर निर्भर करता था। और टॉस की सिक्के की उछाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस टेस्ट मैच में। आने वाले वक्त में देखेंगे कि विराट कोहली अपने टीम को आगे लेके जाएंगे और बल्लेबाज जिनसे जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। शराब क्रिकेट एक्सपर्ट है और उन्होंने एक्सपर्ट की तरह बात की, लेकिन मैं तो एक आम क्रिकेट प्रेमी हूं जिसका मानना है कि ये भंग ने माहौल को बेरंग कर दिया और भारतीय टीम भंग के नशे में खेली और मैच हार बैठी। धन्यवाद शराफत। धन्यवाद।